अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है जी बच्चों की बड़ी मन पसंदीदा डिश। आज हम आप लोगों के लिए बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को अच्छे तरीके से काट के धो के आप लोगों के सामने रख लिया है। अब मैं आपको झटपट से इसकी रेसिपी बताऊँगी जिससे ये बहुत अच्छे क्रंची बन के तैयार होंगे। ये जो हमारे पास होता है मैदा जिसे हम बोलते हैं फ्लोर, उसे तकरीबन हम ले लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हम ले लेंगे मैदे के, ठीक है। और फिर इसके साथ ही हम ले लेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। और बहुत ही हमारी जो क्रंची फ्राइज हैं बन के तैयार होंगी अच्छे से, बड़ी चटपटी सी बन के फ्राइज तैयार होंगी। चाट मसाला डालने की भी ज़रूरत नहीं। साथ ही हम अपने नमक को ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे और इनको हल्का कर देंगे। और फिर साथ ही आपको इसे फ्राई करके भी दिखाते हैं। अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लें और इसको हाथों की मदद से सारा जो मैदा, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो मैदे की कोटिंग है वो सारी फ्राइज के ऊपर हो जाए। ये देखें अच्छे से इसकी कोटिंग हो चुकी है। और आप गरम ऑयल में अब आपको इसे फ्राई करके दिखाते हैं। बच्चों की बहुत ही मन पसंदीदा डिश है ये, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बिल्कुल जैसे बाज़ार से फ्रेंच फ्राइज मिलती है वैसे बन के तैयार होती है। देखिए जी, सारी चिप्स मैंने डाल दी अच्छे तरीके से। और अब मैं इसे फ्राई होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैंने काफ़ी बड़ा दूध डाला, आप चाहें तो बिल्कुल करके डाल सकते हैं। तो देखें जब फुल क्रंची हो जाएगी तो फिर आपको उसका फायदा लगेगा। ये देखें जी, हमारे जो मज़े के फ्रेंच फ्राइज हैं बन के हो चुके हैं रेडी। एक प्यारी सी प्लेट ले लें गार्निशिंग के लिए। हमेशा जब भी आपको चीज़ बनाएं इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करें ताकि जो देखने वाला है वो भी इम्प्रेस हो सके और उसके दिल में आए कि ये क्या चीज़ है और इसे हम टेस्ट जरूर करेंगे। देखिए जी, अच्छी सी प्लेट ले ली और इसके साथ ही मैं ले लूँगी अपना जो मेयोनीज होता है और केचप होती है, इसके साथ मैं इसे करूँगी गार्निशिंग। ये देखें कितनी अच्छी और मज़े की और क्रंची मेरी चिप्स लग रही है, क्रंची मेरी चिप्स लग रही है। देखें कितना इसका अच्छा टेस्ट आ रहा है। ये देखें जी, थोड़ी सी हमने केचप ऐड कर दी और साथ ही अब हम इसके ऐड कर देंगे थोड़ी सी मायो, जिससे जो हमारी फ्राइज़ होगी उसका जायका बहुत अच्छा आएगा और साथ बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। केचप आप और ऐड कर दें, हाँ, और अगर जो लोग स्पाइसी खाना चाह रहे हैं वो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि अच्छी से अच्छी और नई से नई वीडियो मैं आपकी हिम्मत में लेके हाज़िर हो सकूँ। और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ये देखें बच्चों की फेवरेट डिश बन के हो चुकी है रेडी। और इसी के साथ इसकी फाइनल लुक देखें और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।